खुशबू तो अच्छी आ रही है। मैं प्लान मत करना यहाँ पे कैंपिंग करने का, खतरनाक लैंडस्लाइड हुई पड़ी है। यस और नो? वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, अब आपको ना मेरे पीछे दो गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी, एक गाड़ी नहीं है क्योंकि कल रात को हमें एक गाड़ी ने और ज्वाइन किया है, तो आपको उनसे ही मिलवाता हूँ। अभी टाइम देखो हो चुका है 1:41, थोड़ा सा लेट आज हम उठे हैं, बट अपना सुबह का मॉर्निंग का हम खाना वाना बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है। बाकी स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का टीकर ताल में। अभी हमने रूफटॉप टेंट अपना बंद कर दिया क्योंकि भाई थोड़ी सी धूप होगी है, तो हमें यहाँ से पैकिंग करके दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो इसलिए अपनी पैकिंग वैकिंग तो हो चुकी है। अवनिंग अपनी ओपन है तो वो भी दिखाते हैं आपको, मिलवाते हैं पहले संदीप सर से, वो आ चुके हैं। और सामने भाई बोटिंग वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे सैटरडे संडे में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। हाँ, एक चीज और, आप पहले ये बताओ क्वालिटी कैसी आ रही है वीडियो की, क्योंकि मैंने कुछ अलग ट्राई किया है। अगर आपको अच्छी लगती है ना कमेंट जरूर करना, फिर इस तरीके से शूट करेंगे। दिखा देते हैं आपको कि अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने अभी गाड़ी को सेट कर लिया था कल रात में, एक्चुअल में गाड़ी अपनी यहाँ पे लगी हुई थी और फिर रात में अपनी दूसरी गाड़ी भी आ गई, तो फिर हमने दोनों गाड़ियों को यहाँ पे सेट करके और अभी ओनिंग ओपन करके बैठे हुए हैं क्योंकि थोड़ी सी धूप हो गई है। तो पहले आपको मैं मिलवा देता हूँ किसने हमें ज्वाइन किया है रात में। संदीप सर, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर आ चुके हैं, वैसे तो आप हमारे व्लॉग्स में देख ही चुके हो, ये सारा सेटअप ना संदीप सर का है और साथ में ध्रुव भी है। ध्रुव, क्या हाल चाल है? इनके यहाँ पे आके हम कैंपिंग कर रहे हैं, तो हमने कहा हम यहाँ पे आए कैंपिंग करने के लिए तो आपको तो आना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि रास्ता ऐसा ही है ना, अदरवाइज मतलब 10:11 बज गए थे आपको पहुंचने में, 10 बज गए थे। हाँ तो 10 बज गए थे कल रात को पहुंचने में। और अभी हम कुछ बनाने लगे हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ क्या बना रहे हैं। दीपक लगा हुआ हमारा मेन शेफ। दीपक क्या बना रहा है भाई? आज बना रहे छोले कुलचे। क्या बात है, छोले कुलचे, तो इसका मतलब छोले रात में भिगोए होंगे। चलो आपको दिखाते हैं। अच्छा बॉयल हो रहे हैं अभी, तो आपको मैं दिखाता हूँ छोले के साथ क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। तो भाई अपनी स्टोव चल रही है और यहाँ पे छोले बॉयल हो रहे हैं, तो चलो जब तक ये बॉयल हो जाए उसके बाद बनाते हैं। फिर हमें एक चीज और पता चली है कि दीपक से बड़े शेफ और हैं हमारे साथ में। संदीप सर, तो तड़का तो आप ही लगाने वाले हो। तो सर ने बहुत सारी डिशेज बताई हैं जो ये बनाते हैं, टेस्ट करते हैं आज फिर छोले। और उसके साथ साथ अपने पास है कुलचे, कुलचे की क्वांटिटी थोड़ी कम है, 4 या 4 लग रहे हैं मेरे को तो टेस्ट के लिए। ठीक है, ब्रेकफास्ट यहाँ पे हम करने वाले हैं, उसके बाद हमारी लोकेशन रहेगी दूसरी, वो हम आपको दिखाएंगे व्लॉग में, कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट लोकेशन भी है ना भाई, वो इससे भी बेहतर है, मतलब कि ये लोकेशन तो बहुत बढ़िया लगी अपने को, इससे एक और लेवल अप हो जाएगा उस लोकेशन का। तो अभी पहले अपना खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे आगे। लो जी, दीपक ने वेजिटेबल्स कटिंग करनी शुरू कर दी, मतलब खत्म कर दी है। ये यहाँ पे हमारी अनियंस और टोमेटोज कट हो चुके हैं और सर भी लग चुके हैं हमारी किचन में। तो अभी तो हमारी किचन ना थोड़ी सी मेस्ड अप आपको दिखाई दे रही होगी, इसको हम प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। पूरा किचन सेटअप भी हम यहाँ पे बनवाने वाले हैं, जैसे अगर आपने हमारी स्कॉर्पियो में किचन सेटअप देखा है, अगर नहीं देखा है तो वो भी दिखाएंगे आपको, तो उस टाइप का ही कुछ प्लान है यहाँ पे, वो कराएंगे जल्दी। बाकी अभी हमने ये स्टोव रखी हुई है, इस पे ये महिंद्रा का ही हमारा स्नैक ट्रे, चेक करके देख लो स्पून से हो गए होंगे शायद जहां तक है। सो गाइस देखो, कल तो हम यहाँ पे दो गाड़ियां ही थी नाइट में, अब देखो सुबह सुबह होते ही कितनी गाड़ियां इकट्ठी हो चुकी है यहाँ पे, और अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे स्पेस बचेगा नहीं। सैटरडे संडे में प्लान मत करना यहाँ पे कैंपिंग करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं पंजाब चंडीगढ़ से, तो बेटर है कि आप उससे पहले वीकडेज में आओ, तो यहाँ पे आप आराम से कैंपिंग कर सकते हो। नाइट में तो वैसे भीड़ नहीं रहती, नाइट में लोग चले जाते हैं 5 बजे के आसपास, खाली होना शुरू हो जाता है, बट अभी जैसे कि नए लोग आने शुरू हो गए तो भाई सारा भर जाएगा ग्राउंड मेरे को तो लग रहा है पार्किंग का। लो जी हमारा तड़का भी लगना शुरू हो चुका है और जीरा डाल दिया है सर ने, सरसों का तेल। सो गाइज अब हमने ना एक नई डिवाइस ले ली है जूस निकालने के लिए, तो ये अभी ध्रुव लेके आया है कुछ नया आइटम घर से निकाल के। 4 ग्लास जूस बनाते हैं। सर ये भी बनाना शुरू कर दो आप, ये आसानी से नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा अपने को। ये बहुत अच्छी चीज है भाई, ये देखो कीप इट अप, आज 4-5 ग्लास निकालने तेरे को। छोले तो रख दिए हैं, अब ये थोड़ा सा इसको रखेंगे पकने के लिए। सो गाइस फाइनली अपना मतलब ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, ब्रेकफास्ट तो क्या अब लंच ही हो गया, क्योंकि भाई टाइम ऑलरेडी 2:56 हो चुके हैं। एक बार दिखा देते हैं, जबरदस्त खुशबू आ रही है ढक्कन, क्या बात है। तो गाइस अपने पास ना कुकर नहीं था, हमने इसी में कुक किया है, बढ़िया वाले लग रहे हैं देखने में, तो अभी टेस्ट करेंगे इसको। और साथ की साथ सर यहाँ पे बना रहे हैं अपने लिए कुलचे, और नेक्स्ट अपनी कैंपिंग साइट होने वाली है कसौली जा रहे हैं हम। कसौली का ही प्लान करते हैं ना, तो यहाँ पे यार बहुत ज्यादा क्राउड हो चुका है आज, क्योंकि आज वीकेंड है, तो वीकेंड पे यहाँ पे आपको ऐसी मोस्टली क्राउड मिलेगा। और ये हमारे साथ एक गेस्ट भी है जो कि इंतजार कर रहा है कुलचे का, इसको भी खिलाएंगे। करो करो टेस्ट करो, ध्रुव ही करेगा आज टेस्ट, फीडबैक देगा पापा ने कैसा खाना बनाया, फीडबैक देगा। खुशबू तो अच्छी आ रही है, तो भाई कैंपिंग में यही होता है फोकस। वो करते हैं ना शादियों में कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं, बहुत बढ़िया पक गए ना अच्छे से।
सो गाइस टाइम हो चुका है 3:19। अब टाइम हो गया भाई अपनी सेकंड कैंपिंग साइट पे जाने का। यहाँ पे ना हम बैठ पाए हैं धूप में जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनिंग। इसके बिना तो भाई बैठ ही नहीं पाते यहाँ पे क्योंकि गर्मी हो गई है दिन में। रात में मौसम बहुत बढ़िया था, वही है धूप के साथ तो भाई गर्मी लगेगी और उसके लिए चाहिए होगी आपको ऑनिंग। तो अपने पास दो ऑनिंग है, एक यहाँ पे सबने लगाई हुई अपनी गाड़ी पे, एक यहाँ पे हमारे पे। इससे बेस्ट कुछ नहीं है ना, वजह से ही हम लोग आज 3 बजे तक बैठ पाए। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, 270 डिग्री ऑनिंग, इसकी वजह से हम कुकिंग कर पाए पीछे। अगर ये सिर्फ वन साइडेड होती ना बैठ पाते कुकिंग नहीं कर पाते। सो गाइस आपको ना इस वाली ऑनिंग में ना कई सारे कलर्स भी मिल जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पेंडिंग में चल रही है, बहुत सारी बुकिंग्स, एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी तभी वो रेडी होगी। बाकी जल्दी से अपना रैप अप करते हैं। ऑनिंग टेंट तो हमने मॉर्निंग में कर दिया था, चलते हैं यहाँ से अपनी सेकंड कैंपिंग लोकेशन पे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है ना, कहीं भी आप कैंपिंग करो वहां पे अपना डस्टबिन रखो। हमने ये वाला पैकेट यहाँ डस्टबिन में बना लिया था और एक यहाँ पे। अब इसको ना हम जो भी इनका डस्टबिन होगा टिक्कादार पे जो भी यहाँ डस्टबिन मिल जाएगा ना मेरे सामने, तो वहां पे इसको डाल देंगे अपने गार्बेज को। 5 मिनट में अपनी दोनों गाड़ियां पैक हो चुकी हैं, अब चल रहे हैं सीधा सेकंड लोकेशन पे। ऑनिंग भी बंद हो चुकी है। मैं अभी आ चुका हूँ पजारो में संदीप सर के साथ, तो वीडियोस कैप्चर करनी है बढ़िया वाली। बट यहाँ पे ना जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, पीछे भी आपने देखी होगी लगी हुई थी क्रेन, आगे भी मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे भी ऑब्स्टेकल, गाड़ी रुकी हुई है आगे। ये रास्ते थोड़े नैरो है ना, रास्ते अभी बन रहा है, बारिश की वजह से जो पहाड़ी जो नीचे गिर के आ रहे हैं, यहाँ भी कच्चा ही है, खतरनाक लैंडस्लाइड हुई पड़ी है, इसी की वजह से भाई ब्लॉक हो रहा था रास्ता। बाकी सारा ही रास्ता अभी तो ऐसे ही है, मॉनसून सीजन में ना यही दिक्कत रहती है पहाड़ों पे। ये देखो ये तो पूरा ऊपर से ढह के आ गया, ओ भाई पेड़ भी निकलेगा, ये देखो पेड़ की जड़ें दिख रही हैं भाई, खतरनाक वाली लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो सारी गाड़ियां रुकी हुई है इधर, हाँ थार पे टेंट बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक कलर पे, फिर वो ब्लैक कवर के साथ बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो गाइस अब अपना यूज हो रहा है वॉकी टॉकी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है कहीं भी, तो अब इंस्ट्रक्शन देने के लिए दीपक से बातें कर रहे हैं। आवाज आ रही है, यस और नो? यस। ओके डन। सो गाइस ऐसे यूज करना है, बाकी ये बढ़िया चीज है यार, बस चीज है नहीं सर जहाँ नेटवर्क ना हो, बहुत बढ़िया चीज है। लद्दाख में तो खास कर वहाँ तो आते ही नहीं दूर दूर तक, वैसे तो हमारी अकेली गाड़ी गई थी, बट अगर आपके पास एक दो गाड़ियां हो ना साथ में तो ये तो चाहिए चाहिए, इसके बिना आपका कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा, आगे जाना है पीछे जाना है। अभी जैसे रास्ता दूसरी साइड मुड़ जाते हैं, ये वॉकी टॉकी से कनेक्ट होता है तो एक बार में पता लग जाती है सामने वाले को भी। 4:18 हो चुके हैं, और कितना टाइम और लगने वाला है कसौली के लिए? 2 घंटे लगेगा मेरे, 2 घंटे कम से कम है ना, देखते हैं बाकी वो आपको पता चल जाएगी। वेदर भी भाई कुछ ऐसा हो रहा है कि बारिश भी हो सकती है, काले बादल दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो जैसा भी रहेगा फन होगा पूरा। टाइम से पहुंचे, टाइम से पहुंचेंगे तो ये फायदा रहेगा कि अपना जो सेटअप है कैंपिंग का वो कर सकते हो टाइमली, आराम से आप कैंपिंग एंड रिलैक्सिंग जो हम करते हैं वो कर सकते हो। भाई फाइनली एक स्टॉप ले लिया है, और क्यों लिया है क्योंकि एक बढ़िया सा व्यू पॉइंट है जो कि मोरनी हिल्स का, ये वाला व्यू एक बार आपको सामने से दिखाता हूँ, क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई बाहर से, अल्टीमेट वाला व्यू है यहाँ से ना, मजा आ गया भाई। पूरा क्लाउड देख सामने से, लेयर बनी हुई है बादलों की, ऐसा नहीं लेयर्स बनी हुई है, ये देख व्हाइट, ये हल्का सा ब्लू है नीचे और यहाँ ब्लैक, तीन लेयर बनी हुई है, और क्लाउड्स का देखो यार नजारे, देख सामने वाला उधर देख ब्लैक है बिल्कुल पहाड़, ये देख ये तुमने देखा नहीं, वहाँ बारिश हो रही होगी। तो सामने आ चुकी है हिमाचल की एंट्री, तो यहाँ से हम हिमाचल की सीमाओं में एंटर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। ये वाला गेट अभी डेवलप किया है इन्होंने, पहले तो नहीं था, बहुत सुंदर लग रहा है ये तो। टाइम हो चुका है 5:51, अभी मैं आपको प्लान बताता हूँ, उससे पहले एक बढ़िया सा व्यू लेते हैं पहाड़ों में अपनी थार के साथ। Oh, 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 oh